मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष परमार फ्रॉम चरोतर इंग्लिश मीडियम स्कूल। आई एम फिजिकल एजुकेशन टीचर। डियर स्टूडेंट, लेट्स हैव सम ब्रीफ डिस्कशन ऑन खो खो गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम आपको पहले मैदान और गेम की स्किल देखेंगे। खो खो गेम आउटडोर एंड इंडोर गेम खेला जा सकता है। खो खो गेम्स दो टीम्स के बीच में खेला जा सकता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो टीम्स खेल रही है। यहाँ पे दो पोल के बीच में जो खिलाड़ी बैठे हैं, उन लोगों ने ग्रीन टी शर्ट पहने हैं। वो लोग दूसरी वाली टीम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, खो खो का मैदान ईस्ट एंड वेस्ट की साइड ही रहता है। खो खो का मैदान रेक्टेंगल होता है। खो खो के मैदान के अंदर आपको चारों साइड जो रेड लाइन दिखाई दे रही है, मींस के जो रेड कलर आपको दिखाई दे रही है, वो लॉबी है। ये लॉबी ओनली एम्पायर के लिए ही दिया जाता है। खो खो का मैदान 27 मीटर लंबा होता है एंड 16 मीटर चौड़ा होता है। मैदान के दोनों साइड पोल लगाए जाते हैं। ये मैदान मैन, वुमेन, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ही होता है। अब हम दूसरा मैदान देखते हैं। दूसरा मैदान की लेंथ 23x14 मीटर है। उसमें सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स है। कैटेगरीज ऑफ खो खो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बिलो 14 इयर्स। सेकंड, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बिलो 18 इयर्स। थर्ड, सीनियर्स। जैसे कि हमने आगे देखा, खो खो में दो टीम होती है। हर टीम में 12 प्लेयर होते हैं, 9 इन होते हैं एंड 3 एक्स्ट्रा होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं खो खो की स्किल। फर्स्ट, जजमेंट खो। सेकंड, डू कुमारवी। थर्ड, द डाइव। फोर्थ, सिंगल चेन। फिफ्थ, डबल चेन। सिक्स, राउंड प्ले। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।